25 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? द क्लॉक इज टिकिंग। किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। गो एयर के एमडी कौन हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? उनका नाम है जे वाडिया। किस राज्य में औपचारिक स्वदेशी भाषा ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अडानी पोर्ट्स ने गंगावरम बंदरगाह की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? 58.1%। मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत नगराले को। लॉन्च पुस्तक लीडर्स अप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स के लेखक कौन है? रितेश विग। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्लेजकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एनी लैकोटन और जिन फिलिप वासल को। भारत ने किस देश के साथ पेटेंट सत्यापन के सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान के साथ। रॉयल लंदन कप 2021 के लिए किस भारतीय ने लंकाशायर से विदेशी करार किया? श्रेयस अय्यर। 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में सिराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। मध्य प्रदेश और किस राज्य के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए समझौता हुआ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। भारत ने किस देश में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब की पहल का स्वागत किया है? यमन में। आईसीसी ने आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज और रैंकिंग में किस खिलाड़ी को टॉप पर रखा है? शेफाली वर्मा को। किस राज्य में राज्य कर्मचारियों के लिए 30% वेतन की वृद्धि की है? तेलंगाना राज्य ने। किस राज्य ने 3 पेशी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। किस शहर में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन हुआ? मंगलौर में। किस राज्य ने कोविड पर जागरूकता पैदा करने के लिए संकल्प अभियान की शुरुआत की? मध्य प्रदेश ने। सकल मानवाधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को। नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया, ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। इसरो ने कितने मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया? 300 मीटर पर। किस देश ने 18 देशों के 38 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है? रूस ने। किस गायक ने बंग बंधु पर मैत्री राग की रचना की है? पंडित अजय चक्रवर्ती ने। पावर ग्रिड ने किस नाम से ई निविदा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रणीत। श्रीलंका ने चीन से 5 सालों के लिए कितने बिलियन की मुद्रा विलयन विनिमय सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? 1.5 बिलियन डॉलर पर। केंद्र सरकार ने 2 वर्षों में किस पौराणिक नदी के अध्ययन के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है? सरस्वती नदी के। किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये इक्वाडोर में स्थित है। लॉन्च पुस्तक डॉन अंडर द डोम के लेखक कौन है? स्वाति पांडे। किस राज्य में भारत की पहली शतरंज अकादमी स्थापित की जाएगी? उड़ीसा राज्य में।